चलिए स्टूडेंट्स, आपका सबका स्वागत एक बार हमारे फिर से ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे। और आज हम लोग बात करेंगे डिजकास्त्रा एल्गोरिथम के बारे में, और डिजकास्त्रा एल्गोरिथम को देखेंगे कि डिजकास्त्रा हम लोग कैसे अप्लाई कर सकते हैं और कैसे हम लोग यूज़ कर सकते हैं। लेकिन डिजकास्त्रा की शुरुआत करने से पहले आपको डिजकास्त्रा के बारे में कुछ जानकारियाँ हम आपको दे दें कि डिजकास्त्रा हम लोग यूज़ क्यों करते हैं। ठीक है, डिजकास्त्रा हम लोग यूज़ क्यों करते हैं, क्यों? क्योंकि डिजकास्त्रा हम लोग इसलिए यूज करते हैं कि वो हमारी क्या है, सिंगल सोर्स है। क्या है? सिंगल सोर्स शॉर्टेस्ट पाथ है। ठीक है, सिंगल सोर्स शॉर्टेस्ट पाथ एल्गोरिथम हमारी है, और इसको हम लोग क्या करते हैं, फाइंड आउट करने के लिए डिजकास्त्रा यूज करते हैं। इसका सबसे बेस्ट एप्लीकेशन है गूगल मैप। गूगल मैप हमारा डिजकास्त्रा यूज़ करता है। आपने राउटर का नाम सुना होगा, राउटर में भी हम लोग क्या करते हैं, डिजकास्त्रा को यूज करते हैं शॉर्टेस्ट पाथ फाइंड आउट करने के लिए। ठीक है, अब डिजकास्त्रा कैसे काम करती है, एक एग्जांपल लेंगे और उस एग्जांपल को लेके हम लोग डिजकास्त्रा को देखेंगे कि डिजकास्त्रा किस तरीके से हम लोगों के बीच अप्लाई हो सकती है। क्वेश्चन लेते हैं और मैं यहाँ पे कुछ आपको चीज़ें बताऊंगा कि डिजकास्त्रा में इसे एक होता है रिलैक्स फंक्शन। ठीक है, अगर हम लोग देखें कि डिजकास्त्रा में हमारा जाता है रिलैक्स फंक्शन। रिलैक्स फंक्शन का मतलब क्या है, यू वी और डब्ल्यू। यू एक वर्टेक्स है, वी एक वर्टेक्स है, डब्ल्यू वेट है दोनों के बीच का। तो ये कहता है इफ़, यदि, क्या कह रहा है, कह रहा है कि डिस्टेंस ऑफ वी ग्रेटर देन डिस्टेंस ऑफ यू प्लस वेट ऑफ यू कॉमा वी। मतलब क्या ये कि अगर ये आपका u है, ये v है और ये w, मतलब यहाँ पे आपका 10 पड़ा हुआ है, यहाँ पे 2 लिखा हुआ है, यहाँ पे 3, तो कह रहा है डिस्टेंस ऑफ u, डिस्टेंस ऑफ u 3। ठीक, डिस्टेंस ऑफ v कितना हो गया 10, w uv कितना हो गया 2। ये क्या है, w ऑफ u कॉमा v। अगर ये फुलफिल हो रहा है तो आपको क्या करना है, डिस्टेंस ऑफ v पे डिस्टेंस ऑफ u प्लस w ऑफ u कॉमा v को लिख देना है। मतलब क्या हुआ, यहाँ पे देखिए 10 है, ये आपका 2 है, ये आपका 3 है, तो यहाँ पे हम कितना कर देंगे 5, मतलब यहाँ पे हम 5 कर देंगे। इसी पे डिस्टेंस के आधार पे डिजकास्त्रा चलेगी और यही रिलैक्स फंक्शन का वर्क है। आइए क्वेश्चन लेते हैं और एक क्वेश्चन को लेकर डिजकास्त्रा को सॉल्व करने का प्रयास करते हैं। हम यहाँ पे एक क्यू डेटा स्ट्रक्चर यूज़ करते हैं। क्यू में क्या होता है, आपको पता है फीफो पे काम करता है, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट। बट यहाँ पे हम लोग क्यू में से, अगर एक क्यू को प्रियोरिटी क्यू कहें तो गलत नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पे हम लोग क्यू से एक्सट्रैक्ट करेंगे मिनिमम प्रियोरिटी निकालेंगे, क्योंकि हमको शॉर्टेस्ट डिस्टेंस चाहिए। चलिए, ये हमारा सोर्स वर्टेक्स है, ये हमारा वर्टेक्स है एक अगला, और ये एक अगला वर्टेक्स है, और ये एक छोटा सा वर्टेक्स, और ये एक वर्टेक्स है, ये 6 है, ये 4 है, ये 1 है, ये 2 है, ये हमारा 10 है, ये 5 है, ये 3 हो गया, ये हमारा 2 हो गया, यहाँ पे हमारा 7 हो गया। हम वर्टेक्स का नाम भी रख देते हैं, ये हमारा वर्टेक्स एक्स है, ये हमारा वर्टेक्स जेड है, ये हमारा वर्टेक्स टी है, ये हमारा वर्टेक्स वाई है। ठीक है, देखिए डिजकास्त्रा में करते क्या है, डिजकास्त्रा में हम लोग क्या करते हैं कि सोर्स वर्टेक्स पे पुट कर देते हैं 0, एंड रिमेनिंग जो भी वर्टेक्स होते हैं उन पे रख देते हैं इनफाइनाइट। क्यों? क्योंकि हमको सोर्स से अभी अदर वर्टेक्स पे जाने की डिस्टेंस का पता ही नहीं है, तो हम यही कहेंगे कि इनफाइनाइट। हम यहाँ पे क्या कह रहे हैं, एक क्यू बनाते चलेंगे। क्यू से आपको ये लग जाएगा कि आप किस किस नोड के वाया उस नोड पे पहुंचेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे हमने सबसे पहले क्यू में सोर्स, वैसे तो हम लोग सारे वर्टेक्स कर देते हैं, पर सारे वर्टेक्स करने का हमको कोई मतलब नहीं लगता, क्योंकि वहाँ पे इनफाइनाइट है। ठीक है, तो इनिशियल में हम सोर्स रखेंगे, ये डिस्टेंस सोर्स से सोर्स पे जाने की कॉस्ट आपकी 0 है, उसका पेरेंट मतलब एस पे कहाँ से आए हैं, एस का कोई पेरेंट नहीं, क्योंकि वो खुद सोर्स है, इसलिए वो 5। ठीक है, तो क्या करेंगे अब आप लोग, अब आपको क्या करना है कि यहाँ पे ये चीज़ का विशेष ध्यान रखना है कि जब s बाहर जाएगा, इसमें से हम एक्सट्रैक्ट करेंगे मिनिमम, क्या करेंगे, मिनिमम को एक्सट्रैक्ट करेंगे। तो अभी s बाहर जाएगा तो
तो जब s बाहर जाएगा तो s के एडजेसेंट क्या हो जाएंगे, q में आ जाएंगे, s के एडजेसेंट q में आएंगे। वैसे तो q में ऑलरेडी हैं लेकिन सब इनफाइनाइट हैं, लेकिन उनकी डिस्टेंस अपडेट हो जाएगी। तो s से जा सकते हैं t पे, s से जा सकते हैं y पे, तो इनके पेरेंट बन गए s, इनके पेरेंट बन गए s। अब देखिए जब आप t पे जाएंगे तो ये हो जाएगा 10 और ये कितना हो जाएगा 5। ठीक, तो मतलब ये आपका सोर्स वर्टेक्स था, ये आपका सोर्स वर्टेक्स था, सोर्स से आप चले गए टी पे, तो यहाँ पे 10 आ गया और यहाँ पे आप गए तो 5 हो गया। क्यों? क्योंकि इनफिनाइट था, अपडेट हो गया। ये 0 है, यहाँ से कॉस्ट आपकी 1 है, ये आपका एक्स था, ये भी इनफिनाइट है, ये भी आपका जेड था जो इनफिनाइट है, ये कॉस्ट 9 है, यहाँ से यहाँ पे कॉस्ट जानी, ये 6 है, सॉरी ये 6 है और ये आपकी 4 है, ये आपकी 3 है और ये आपकी 2, यहाँ से यहाँ पे 7। ये है आपका अभी का स्टेटस इसके अकॉर्डिंग। अब इसमें से क्या करेंगे, आप एक्सट्रैक्ट करेंगे, क्या करेंगे, यहाँ से आप एक्सट्रैक्ट करेंगे, एक्सट्रैक्ट करेंगे मिन, आप एक्सट्रैक्ट करेंगे मिन, तो मिनिमम कौन सा है, मिनिमम यहाँ पे आपका जो है वो 5 है, y बाहर जाएगा, y क्या हो जाएगा आपका यहाँ से बाहर चला जाएगा। तो y जब आपका बाहर चला जाएगा तो फिर क्या करेंगे हम लोग यहाँ पे, जब y आपका बाहर चला जाएगा तो y के एडजेसेंट आपके q में आ जाएंगे। तो y के एडजेसेंट को बाहर निकालते हैं, सॉरी q में लेते हैं और देखते हैं अब q क्या बनेगा। चलिए हमारा ये है, अभी यहाँ पे देख लेते हैं, देखिए y का एडजेसेंट ये आपका था t, ये आपका x, ये z, ये y के एडजेसेंट कौन कौन है, y के एडजेसेंट z भी हैं, y के एडजेसेंट x भी हैं, y के एडजेसेंट t भी हैं। तो y बाहर गया, t पहले से पड़ा हुआ है, ये cos 10 पड़ी हुई है, इसका सोर्स वर्टेक्स है s। हम यहाँ से क्या करें, y को बाहर किए, तो y को जब बाहर करेंगे तो z आ जाएगा इसके अंदर, y से x पे जा सकते हैं और y से tt वाले भी। कॉस्ट को देख लेते हैं, 5 और यहाँ पे लिखा हुआ है 2, तो 5 2 7, यहाँ पे कितना हो जाएगा 7, तो मतलब z पे जाने की कॉस्ट हो गई 7। ठीक है, z पे जाने की कॉस्ट क्या हो गई 7। यहाँ से देखिए ये तो हो गया 7, 5 2 7, यहाँ पे देखिए x पे 5 और 9 14, ये कितना हो गया 14, यहाँ पे 14, इसका पेरेंट बन गया y, इसका पेरेंट y, t पे जाने की देख लीजिए 5 3 8, यहाँ 10 पड़ा हुआ है तो हम यहाँ पे 8 कर देंगे, मतलब 8 और ये हटके ये स्थिति हो गई। इसके हिसाब से ये आपका सोर्स वर्टेक्स, ये आपका t, x, यहाँ पे आ चुका है आपका 14, 1, 10, 5, 2, 6, 4, 7, यहाँ पे 5, यहाँ पे 8, यहाँ पे 2 0। ठीक है, ये हो गया आपका 9 और यहां से यहाँ पे cos 7। अब क्या होगा, इसमें से एक्सट्रैक्ट करेंगे, जेड बाहर जाएगा, जेड क्या है, ये आपका वाई है। ठीक है, जेड बाहर जाएगा तो जेड के एडजेसेंट कौन कौन से हैं, जेड के एडजेसेंट एक्स हैं और जेड के एडजेसेंट सोर्स है और कोई नहीं है। तो अगर जाएंगे 7 6 13, ये 13 हो जाएगा, तो मतलब ये क्या हो जाएगा अगली बार 13। ठीक, अगली बार ये क्या हो जाएगा 13 और x का पेरेंट हो गया z। ये कब हुआ है, जब z को हमने एक्सट्रैक्ट किया है, क्यों, क्योंकि z हम देखिए यहाँ पे क्या था, हम यहाँ पे थे तो z को हम बाहर कर रहे हैं, इसको हम बाहर कर रहे हैं, ठीक है, इसको हम बाहर कर रहे हैं, तो हमारा जो q बन गया वो क्या बन गया, ये बन गया q
क्यू क्या बन गया टी, एक्स पहले से पढ़ा था इसकी कॉस 13 हो गई, जेड बाहर गया है यहाँ पे 8 आ गया, यहाँ पे वाई हो गया, ठीक है, और इसका पैरेंट क्या बन गया जेड, मतलब ये हो गया अब आपका कुछ ऐसा 0, ये आपका 8 1 टी एक्स, ये वाई, ये 5, ये 10, ये सोर्स वर्टेक्स, यहाँ 0, यहाँ से 9, ये 6, 4, 7, जेड, यहाँ पे 2, यहाँ पे 5, 3, 2, और ये हो गया आपका वर्टेक्स 7, ठीक है। अब इनमें से क्या करेंगे, एक्सट्रैक्ट करेंगे किसको, टी को, क्योंकि टी क्या है, टी क्या है आपका मिनिमम, तो टी बाहर जाएगा तो टी ये हो गया, तो टी के एडजस्टेंट सिर्फ एक है एक्स, टी के एडजस्टेंट सिर्फ एक्स है, तो ये 8 1 9, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, ये बाहर चला जाएगा, टी बाहर चला जाएगा, बचेगा एक्स, तो क्यू क्या बन गया आपका, क्यू बन गया आपका ये देखिए, यहाँ पे सिर्फ एक्स, यहाँ पे आ गया 8 1 9, तो ये हट के 9 हो जाएगा, ठीक है, और इसका पैरेंट बन गया एक्स का जेड के स्थान पे टी, ठीक है, तो मतलब ये वाली वैल्यू सिर्फ चेंज हो जाएगी, यहाँ पे कितना आ जाएगा 9, इसका ये है, ठीक। अब क्या है, एक्स, एक्स को बाहर कर देते हैं, तो एक्स के एडजस्टेंट क्या है, जे क्या है ऑलरेडी विजिटेड नोड है, तो जेड को बाहर कर दीजिए, जेड को क्या कर दीजिए, बाहर कर दीजिए, तो ये एक्स बाहर चला जाएगा, एक्स बाहर चला जाएगा, तो क्यू क्या हो गया एम्प्टी, क्यू क्या हो गया एम्प्टी, प्रोसेस स्टॉप कर देंगे, क्यों क्या हो गया एम्प्टी, और हम प्रोसेस को स्टॉप कर देंगे, आंसर क्या बनेगा देखिए, आंसर जो बना फाइनल आंसर, मैं इसको यहां रखता हूं कि आपको ये बिल्कुल क्लियर रहे कि कैसे हम लोगों ने चला है, और मैं अब जैसे आंसर की तलाश में चल रहा हूं और आंसर को मैं लिखता हूं साफ साफ कि ग्राफ क्या हो चुका है, अब ये जो अपडेटेड ग्राफ हो चुका है कॉस्ट वो क्या है, देखिए ये हमारा सोर्स वर्टेक्स है जहाँ पे 0 लिखा हुआ है, ये हमारा 8 लिखा हुआ है, टी है, ये हमारा एक वर्टेक्स है जिसको हम लोग बोलते हैं एक्स, इस पर कॉस्ट लिखी हुई है 9, यहाँ पे वेट 1 है, यहाँ पे 10 है, यहाँ पे 5 है, और ये जेड है, ये वाई है, 3 हो गया, 2 हो गया, ये 6 हो गया, ये हो गया हमारा 4, और ये हमारा 7 है, ये 5, ये 2 है, यहाँ से cos 9 है, 7 ये है, ठीक है, ये हमारा फाइनल आंसर है। अब आप कहिए जिस भी जगह पे कहिए वो हम निकाल देंगे, आपने कहा सर मुझे S से जाना है X पे, मैंने कहा ठीक, X का पेरेंट देखो, X का पेरेंट कौन बना है, X का पेरेंट T है, यहाँ से देखो X का पेरेंट T, तो मतलब मैं T से X पे जाऊँगा, फिर मैंने कहा T पे जाने का पेरेंट Y है, T पे जाने का पेरेंट Y है, तो मैं S से Y पे जाऊँगा, Y से T पे जाऊँगा, T से X पे जाऊँगा, मैंने कहा Y का पेरेंट कौन है, तुमने कहा सर Y का पेरेंट S है, y का पेरेंट s है, y का पेरेंट s हो गया, तो ठीक, अब ये पाथ फॉलो होगा। चलिए क्वेश्चन क्या था आपका, क्वेश्चन आपका ये है s से y पे जाने की कॉस्ट, s से y पे जाने की कॉस्ट 5, y से t पे जाने की कॉस्ट 3, और t से x पे जाने की कॉस्ट 1, देखिए 9 लिखा था कि नहीं आंसर में, चेक कर लीजिए, ये देखिए 9, आपने कहा सर मुझे जाना है x से, मैंने कहा s से जेड पे, आपने कहा सर मुझे s से जेड पे जाना है, मैंने कहा जेड का पेरेंट बोलो, जेड का पेरेंट y था, जेड का पेरेंट y था, मतलब मैं पहले y पे जाऊंगा तब जेड पे जाऊंगा, मैंने कहा y का पेरेंट s ही है, तो ग्राफ में देखो s से y पे जाना है, s से y पे जाना है 5, y से जेड पे जाना है 2, 7 है, चेक करिए, बाकी तो एडजस्टेंट ही आप जानते हो, मैंने कहा मुझे एस से टी पे जाना है, एस से टी पे जाना है, मैंने कहा ठीक, टी का पेरेंट
तुमने कहा ठीक है पेरेंट, एस से टी पे जाना है। मैंने कहा ठीक है, एस से टी पे जाना है तो टी का पेरेंट वाई है, टी का पेरेंट वाई, और वाई का पेरेंट एस है, तुमको पता है। एस से वाई पे जाने की कॉस्ट, एस से वाई पे जाने की कॉस्ट फाइव है, और वाई से टी पे जाने की कॉस्ट, वाई से टी पे जाने की कॉस्ट तीन है, आठ। इसका मतलब अगर मुझे एस से टी पे जाना था तो मैं डायरेक्ट ना जाके वाया जाऊंगा वाई के। तो स्टूडेंट्स, ये था डिजकास्त्रा एल्गोरिदम, और डिजकास्त्रा एल्गोरिदम को हमने आप पूरा प्रयास किया है कि थोड़ा जल्दी में वीडियो बनाया है, क्योंकि वीडियो की लेंथ बहुत बड़ी हो जाती है तो लोग समझ नहीं पाते, लेकिन आप वीडियो को आराम से देखेंगे तो आपको बिल्कुल क्लियर कट समझ में आ जाएगा कि डिजकास्त्रा किस तरीके से काम करती है। और अगर कोई दिक्कत होती है तो कमेंट करिएगा, तो हम उस कमेंट का सोल्यूशन आपको दे देंगे। वीडियो में बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। इस वीडियो को लाइक करके शेयर कर दीजिए अगर अच्छा लगा हो। ये पूरा फ्री वीडियो है, ये उन सब विद्यार्थियों के लिए है जो लोग किसी भी तरीके से पढ़ नहीं पाते, समझ नहीं पाते, उनको ये फ्री एजुकेशन के तौर पे हम लोग दे रहे हैं। यही मेरे चैनल का मोटिव है, और इस चैनल का उद्देश्य कुछ और नहीं है, पैसा कमाना नहीं है, पॉपुलरिटी गेन करना नहीं है, सिर्फ लोगों को नॉलेज देना ही इस चैनल का पहला ऑब्जेक्टिव है। धन्यवाद।